चंद्रपुर जिले के कोरपना के अल्ट्राटेक कंपनी के तालाब में 3 छात्रों की डूबकर मृत्यु होने से परिसर में मातम छाया हुआ है। अल्ट्राटेक कंपनी की लापरवाही के कारण इन 3 मासूम बच्चों की जान गई, ऐसा आरोप किसने लगाया? साथ ही इस घटना की स्पॉट रिपोर्टिंग देखिए इस खबर में। कोरपना तहसील के अल्ट्राटेक सीमेंट परिसर के तालाब में डूबकर 3 छात्रों की मृत्यु होने की खबर से परिसर में खलबली मची। अल्ट्राटेक सीमेंट परिसर में मानव निर्मित कृत्रिम तालाब का निर्माण किया गया है और इस तालाब की गहराई काफी है, साथ ही ये तालाब निर्मनुष्य जगह पर है। वास्तविक तौर पर देखा जाए तो यहाँ सुरक्षा कर्मी को तैनात करना अनिवार्य है, किंतु कंपनी प्रशासन की अनदेखी के कारण 3 छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पारत सचिन गोवारदीपे उम्र 10 साल, दर्शन शंकर बचा शंकर उम्र 10 साल तथा अर्जुन सुनील सिंह उम्र 10 साल, ये 3 छात्र आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल में 4th कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। 26 जनवरी जब पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, उसी दिन ये दुर्घटना होने के कारण कंपनी परिसर में खामोशी छा गई। ये 3 छात्र इस तालाब में तैरने के लिए गए थे, मगर पानी की गहराई समझ नहीं सके और 3 छात्रों की पानी में डूबकर मृत्यु हो गई। 26 जनवरी के दिन देर शाम तक 3 की खोज की जा रही थी, मगर अंधेरे के चलते खोज रोक दी गई। आज सुबह चंद्रपुर से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और उन्होंने तालाब के नीचे के कीचड़ में फंसे 3 छात्रों को बाहर निकाला। हमारे संवाददाता हबीब शेख जब घटना स्थल पर पहुंचे, तब उन्होंने इस घटना के बारे में प्रत्यक्ष दर्शियों से बातचीत की। काल 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सगळे मुलांना सुट्टी असल्यामुळे आज कॉलनीतले काही मुलं त्या दिवशी इथं कॉलनी लगत असलेल्या पाण्याच्या डबक्यामध्ये पोहण्यासाठी गेले असं लोकांना कळलं। तर आज संध्याकाळपर्यंत मुलं वापस नाही आली म्हणून घरच्यांनी शोधाशोध सुरू केली। तर आज त्यांची तिघही मुलाची आज त्यांचा मृतदेह मिळाला आहे। तर आपण इथंच कॉलनीत असणारे युनियनचे काही पदाधिकारी आपण त्यांच्याशी जाणून घेऊया। तुम्हाला काय वाटतं की हे जे इथं जे तलाव आहे त्यांनी खोदलेला आहे, हे केव्हा खोदलं काही माहीत झालं आणि अशा घटना रोखण्यासाठी तुम्ही काय सांगा? सर, हे जवळपास 10 वर्षाच्या आधीची घटना जी एलएनटीचा कार्यकाळ होता, तेव्हा मी स्वतः 6-man कमिटीचा मेंबर असून काल रात्री 12 वाजेपर्यंत मी त्या तलावाच्या जवळ शोध मोहीम चालू होती, तिथे हजर होतो। आज सकाळी जवळपास 9 वाजता मी इथे आलो असता सिक्युरिटीच्या गेटने सिक्युरिटीच्या ज्या लोकांनी तिथेच थांबवलं, नाही नाही जाने की जरूरत नाही, परत पत्रकारांना सुद्धा तिथे थांबवून किंवा यायसाठी त्यांनी मना केली। ही खूप म्हणजे गलत घटना आहे, असं करायला नाही पाहिजे। आणि दुसरी गोष्ट, जवळपास वर्ष 1.5 वर्षाआधी म्हणजे 6 महिन्याच्या जवळपास आधी, 1.5 वर्षापासून तर दार रस्ता आहे, 6-7 महिन्याआधी एक वाघ आला होता इथे, वाघ आला तेव्हापासून जो रस्ता बनवला होता त्यांनी तिथे पाहण्यासाठी, तर त्याला नंतर कुठल्याच पद्धतीची बॅरिकेडिंग केली नाही। आणि तिथे जवळपास हे मुलं असं सांगण्यात येतं आणि लक्षात येतं आहे की जवळपास 2-3 दिवसापासून हे मुलं तिथे जात होते। जर कॉलनीमध्ये सिक्युरिटी आधी 3-4 वर्षाच्या आधी सिक्युरिटीची अरेंजमेंट होती, नाईट विजिलन्समध्ये आणि डेमध्ये सिक्युरिटी कॉलनीमध्ये फिरत होते, ही मॅनेजमेंटनं सिस्टम पूर्ण बंद केली, जर कदाचित जी सिस्टम चालू असती तर ही जी घटना मुलं कुठेही घुसत आहे, कोणत्या जंगलामध्ये घुसत आहे, हे कोणाच्या जर निर्देशनात आलं असतं तर ही दुर्दैवी घटना आज घडली नसती। तर माझं कंपनीलाही निवेदन आहे, आम्ही बोलू मॅनेजमेंटसोबत युनियनच्या मार्फत, इथे आणि काही दिवसाआधी चोरीसुद्धा झाली त्याचाही अजून कुठलाच पता लागलेला नाही। आणि जर कदाचित जर सिक्युरिटीची इथे जे विजिलन्सची जी टीम होती डे आणि नाईटमध्ये चालत होती, कदाचित जर अशी ती रेग्युलर प्रॅक्टिस जर चालू ठेवली असती जे आधीच्या ह्याच्यामध्ये होती, जे 3 वर्षाआधी बंद केली, कदाचित ही दुर्दैवी घटना घडली नसती असं मला वाटते। आणि याच्यासमोर अशी घटना घडू नये आणि पुन्हा या घटनेची पुनरावृत्ती, आज आमचे 3 मुलं आमच्या कामगाराचे 3 मुलं जे गेले, ही खूप दुर्दैवी घटना आहे, याच्यापुढे अशी घटना घडू नये, त्यासाठी मॅनेजमेंटने आणि आम्ही स्वतः हे समोर मॅनेजमेंटने समोर येऊन हे सगळं जे चाललेलं आहे, आतमध्ये बरेचसे गड्डे खोदलेले आहे, तिथली माती खोदून ते कुठेतरी बाहेर कामासाठी वगैरे नेत आहे, आधी केलेला गड्डा तो वेगळा, परत नवीन गड्डे केलेले आहे, हे जे गड्डे करून माती बाहेर पाठवणे, उत्खननाचा भाग आहे तो बंद करावा, आणि असे जे पॉईंट कॉलनीमध्ये आहे ज्या रस्त्यातून लोक कुठेही बस जाऊ शकतात असे ते बॅरिकेडिंग करावे। इसी बीच कामगार संघटना ने आक्रमक रुख अपनाते हुए स्पष्ट रूप से कंपनी प्रशासन को जवाबदार ठहराते हुए कंपनी प्रशासन पर मनुष्य वध का गुनाह दाखिल करने की मांग की। इसी बीच पुलिस प्रशासन द्वारा क्या जानकारी दी गई? कल रात को 9:30 बजे हमको खबर मिली कि 3 लड़के
अल्ट्राटेक अवलपुर कंपनी के पलने के रहने वाले 10 साल की उम्र के, वो वहाँ पे जीव टाइप का पॉन्ड है, वहाँ डूब के डूबने की आशंका उन्होंने जताई। हम लोगों ने जाके सर्च ऑपरेशन किया, जो नज़दीक के गांव के गोताखोर थे उनके मदद से हम लोगों ने रात को 1-1.5 बजे तक कोशिश की, पर कुछ पता नहीं चला। आज सुबह चंद्रपुर की हमारी जो पुलिस रेस्क्यू टीम है वो और कुछ अन्य गोताखोर उनके मदद से फिर से आज सुबह से हमने सर्च ऑपरेशन किया। उसमें 3-10 साल की उम्र के बच्चों की डेड बॉडी मिल गई है। उनका पोस्टमार्टम के लिए हम उनको यहाँ RHC गढ़चंदपुर में लेके आए हैं। थोड़ी सी उसके पार्श्व में देखेंगे तो 2 दिन पहले भी उन्होंने एक लड़के से पूछा था कि चलो खेलने जाते हैं, तो खेलने गए तो वो जंगल की तरफ जाने लगे। तो वो लड़का वो डर गया, वो बोला मैं नहीं आता हूँ, चौथा वाला लड़का था। तो ऐसे तुम नहीं आते हो तो मत आओ, हम जाते हैं। वो आगे गए थे तो कल वो देर रात तक शाम तक आए नहीं, तो उनके घर वालों ने पूछताछ की तो मुझे उनके लड़के से पता चला कि वो जंगल में गए हैं। जब वहाँ जाके देखा तो वहाँ उनके कपड़े और चप्पल वगैरह मिले थे, जो जी टाइप का पॉन्ड है, जो नाला है, तो वहाँ पे वो कपड़े मिले थे। जब सर्च ऑपरेशन किया था हमने रात 1 बजे तक, पर नहीं मिला, वो डेड बॉडी मिल गई है। कोरपना से हबीब शेख की रिपोर्ट।